गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अविगड। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंटीग्रल का क्वेश्चन, ठीक है। तो इंटीग्रल का क्वेश्चन ये मैंने आपको जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट्स, मुझे करके बताइएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जिन भी बच्चों से ये क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, और जिनसे नहीं होता है तो मैं आज आपको बताऊंगी उसका सॉल्यूशन कैसे होना है, क्या करना है, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए, सब सारे सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x का दिया हुआ है आपको होल स्क्वायर, ठीक है। इसे आपने करना है इंटीग्रेट। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा ऐसा करो, 1 प्लस e की पावर x को t मान लो, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका बताएंगे आपको करने का, 1 प्लस e की पावर x को मान लो t, ठीक है। अब आप इसे करिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करिए इसे, डिफरेंशिएट करोगे। वन क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट का क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था पहले भी, जीरो होता है डिफरेंशिएशन। देखिए दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपने निकालना है डी बाय डी एक्स वन, ठीक है। वन को आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर जीरो, क्यों, एक्स की पावर जीरो की वैल्यू मैंने बताया हुआ है वन होती है। अब ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स करना है आपको एक्स की पावर जीरो का। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो एन जो होता है ना पावर में, वो आ जाता है आगे और एक्स की पावर लग जाती है एन माइनस वन, यानी कि एक कम हो जाती है। तो यहाँ क्या है, एक्स की पावर जीरो, इन दोनों को कंपेयर करें तो एन की वैल्यू जीरो है, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ क्या है, जीरो। तो इस फॉर्मूले में हम जीरो पुट कर देते हैं, यहाँ क्या जाएगा, जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो माइनस वन। जीरो से आप किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, जीरो ही आना है, ठीक है। जैसे जीरो इंटू एक्स करते हैं तो जीरो ही आता है, कुछ भी कर लो, जीरो इंटू वन कर लो, जीरो इंटू टू कर लो, जीरो ही आना है। सो जीरो से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आना है, जीरो। तो वन कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। तो वन का क्या हो जाएगा, जीरो प्लस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, याद रखिए। सबसे अच्छा ई की पावर एक्स लगता है मुझे तो, क्योंकि क्यों लगता है, ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट करो, ई की पावर एक्स ही रहता है। ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट कर लो, ई की पावर एक्स ही रहता है, कोई चेंज ही नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो सबसे अच्छा लगता है ई की पावर एक्स, एक्स का फंक्शन सबसे अच्छा फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ई की पावर एक्स का हो गया ई की पावर एक्स। अब एक्स का तो करिए, तो एक्स का हो गया डी एक्स इज इक्वल टू टी का हो गया डी टी। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी। तो ई की पावर एक्स डी एक्स की जगह आप यहाँ क्या पुट कर देंगे, डी टी, क्यों भाई, देखो इसको ऐसे लिख लो ना, वन अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इस वाले टर्म को हमने ऐसे लिख लिया, और ये क्या है, ई की पावर एक्स डी एक्स को रख लो एक साथ, जिससे कि समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब कर दो पुट ई की पावर एक्स डी एक्स की जगह, क्या कर दोगे, डी टी। तो कर दें, इसकी जगह तो आ गया डी टी, और वन प्लस ई की पावर एक्स को आपने क्या माना हुआ है, टी। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू, वन अपॉन टी, इसका स्क्वायर है तो ये हो गया टी का स्क्वायर। इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस टू। मैंने बताया था नीचे वाली टर्म ऊपर आए या फिर ऊपर वाली टर्म नीचे आए तो जो पावर का साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या है, टी की पावर प्लस टू, तो ऊपर जाएगा टी, तो प्लस टू की जगह क्या हो जाएगा, माइनस टू, ठीक है। और ये आ गया डी टी। ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा मैंने इसलिए किया है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। मैं आपको पहले सारे फार्मूलाज बता चुकी हूँ, फर्स्ट लेक्चर में हमने सारे फार्मूलाज डिस्कस किए थे। सो एक्स की पावर एन का क्या हो जाता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या है, इन दोनों को कंपेयर करें तो माइनस टू, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करें तो एन की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस टू। और यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, टी, यहाँ पर एक्स है, इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, फॉर्मूले में एक्स की जगह टी आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए एन की वैल्यू माइनस टू, तो क्या आ जाएगा, टी की पावर माइनस टू प्लस वन, और अपॉन में भी माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। माइनस टू प्लस वन क्या हो गया, माइनस वन, सो टी की पावर माइनस वन और अपॉन में भी क्या है, माइनस वन, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी।
अब देखो मैंने यहाँ क्या कहा था, पावर का साइन चेंज हो जाता है यदि नीचे वाली टर्म ऊपर आए या फिर ऊपर वाली टर्म नीचे आए। तो यहाँ 1/t² था, तो आपने क्या कह दिया, टी की पावर -2। तो यहाँ टी इनवर्स है, टी की पावर क्या है, -1। तो इसको नीचे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर +1। टी की पावर 1 को तो आप टी लिख ही सकते हो ना, तो बस टी की पावर यहाँ पर क्या है, +1 है ना, तो टी की पावर +1 को मैंने लिख दिया टी। ठीक है, तो अब माइनस ये वाला चल ही रहा है तो ये ऊपर आ गया माइनस। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब सिंपल टी की वैल्यू रख देनी है, आपने क्या मानी थी, 1 + e की पावर x। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए -1/(1+e की पावर x). ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये हो गया आपका आंसर। कुछ भी नहीं करा, टी का वैल्यू रखा है 1+e की पावर x। टी की वैल्यू रखिए 1+e की पावर x, माइनस चल ही रहा है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और ये अपना हो गया आंसर। समझ आए स्टूडेंट्स, चीज़ें बहुत ईजी है। बस एक बात आपने क्या याद रखनी है, पावर का साइन किस तरह से चेंज होता है, और एक बात ये कि टी की पावर 1 हो तो आप इसको टी लिख सकते हो। पावर 1 का मतलब क्या है, सिंपल टी अंडरस्टूड होता है, यहाँ पावर 1 ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ। बट उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, उसका सॉल्यूशन आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है आपका। और यदि आपसे नहीं होता है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन, उसके आंसर क्या होना है सब कुछ बता दूंगी। सो स्टूडेंट्स, आपको इंटीग्रेट करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप करके देखिएगा इसका सॉल्यूशन क्या होता है, क्या से आता है। तो देखिए, इंटीग्रेट करना है आपको ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स ई की पावर में, जैसे ई की पावर एक्स लिखते हैं ना, तो यहाँ एक्स की जगह क्या दे दिया, साइन इनवर्स एक्स, और इसका दिया है आपको स्क्वायर, अपॉन में है अंडर रूट में 1 - x². ठीक है, इसे आपने करना है इंटीग्रेट। स्टूडेंट्स ट्राई करके देखिए, यदि नहीं होता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्या होता है इसका आंसर, कैसे आता है इसका सॉल्यूशन, कैसे इजीली प्रूफ कर सकते हैं हम इसका सॉल्यूशन, जो भी आना है, तो उन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।